चलो जी हाँ जी गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू टुडे वी आर डिस्कसिंग अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट आई नो बट कई बार गलती हो जाती है वाई यू आर प्रिपेयरिंग एंड समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू प्लेस द स्टडी मटेरियल व्हिच गेट्स अकोमुलेटेड अराउंड एस तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वाई टुडे विल डिस्कस वाई व्हाट, व्हेन एंड हाउ ऑफ एनसीआरटीज राइट क्यों आपको एनसीआरटीज पढ़नी चाहिए और उसमें क्या पढ़ना है एनसीआरटी में समटाइम्स वी मिस अंडरस्टैंड देन वेन कब पढ़नी चाहिए आपको एनसीआरटीज एंड हाउ कैसे पढ़नी है क्या पढ़ना है उसके अंदर और कैसे पढ़ना है उसके अंदर द वे इज़ द प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना अब आप ये समझ लीजिए कि दिस इज़ माई पर्सनल सजेशन टू यू कि लिसन टू दिस लेक्चर वेरी केयरफुली बिकॉज ऑल ऑफ़ यू स्टडी एन सी आर टल ऑफ़ यू समाइम्स कमिट स्मॉल मिस्टेक्स विच फॉर विच हैवी प्राइस हैज़ टू बी पेड तो ज़्यादा प्राइस देना पड़ जाता है एक मिनट ये गिर गया ठीक है ओके okay. तो ये हमें देखना है राइट तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वाई हमें एनसीआरटी पढ़नी क्यों है देखो एनसीआरटी बेसिकली यूपीएससी के अंदर क्या है कि द होल प्रिपरेशन इज कंसे करना है एक तो आपका होता है बनाना होता है अपना एंड सेकेंडली आपको अपना कवरेज करनी होती है सिलेबस की कवरेज ऑफ सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया हुआ है या बाय एक्सपीरियंस हम लोग बताते हैं या टेन ईयर से आप अकोमुलेट करते हो कि दिस थिंग हैज़ टू बी कवर्ड सो दैट कवरेज हैज़ टू बी डन एंड थर्ड स्टेज इज कि आपको जो ये आपने तैयार किया है इसमें अब आप आपको वैल्यू एड करनी है वैल्यू एडिशन एंड टेस्टिंग ठीक है ना अब बेसिकली ये तीन स्टेजेस में आपकी तैयारी होनी है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो इफ यू आर टेकिंग कोचिंग ठीक है ना अब आप अगर कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग इस स्टेज का है बेसिकली पार्ट दिस इज पार्ट ऑफ द कोचिंग ये कोचिंग करवाता है आपको कोचिंग आपने ख़त्म कर ली फिर भी आपको वैल्यूडेशन करते रहना है और कोचिंग से पहले आपको एक बेस बनाना है तो अभिमन्यू हैज पायन इन दिस थिंग 15 इयर्स बैक आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टार्ट द कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स आई विल एट गाइड द स्टूडेंट्स कि पहले आप एन पढ़ के आप कोचिंग लें तो दैट 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 मेड अज डिफरेंस इन प्रिपरेशन ऑफ सो मैनी स्टूडेंट्स कि दो महीने एन सी पढ़ के अगर आप आ, कोचिंग लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा राइट right? और कोचिंग का बेटर बेनिफिट होगा राइट right? अब आ, जो एन सी की आपकी रीडिंग है बेसिकली बेसिकलीट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस बेस अब बेस जरूरी नहीं है कि एन से बनाना है आपने है ना बेस आप और चीज़ों से भी बना सकते हो प्राइमरी थिंग इज टू मेक द बेस प्रिपेयर अ बेस फॉर फर्दर स्टडीज बट

है ना तो ये एनसीआरटिस्ट का ये आपको आई थिंक समझ आ गया ये ये बात क्लियर हो गई कि बेस आपका बनना चाहिए फिर आपकी कवरेज ऑफ सिलेबस होना चाहिए फिर आपकी वैल्यूडेशन होनी चाहिए ये तीन पार्ट्स में आपका द होल प्रोसेस शुड गो इज इट क्लियर एक बार यस करो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सारा कुछ इसी से रेफरेंस से आगे चलेगा ठीक है तो बेसिकली कवरेज ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन इज़ अवर टास्क वेन वी आर रीडिंग एन सी आर टीज एंड इट फॉर्म्स अ बेस फॉर द एडवांस स्टडीज राइट एंड थर्ड बेनिफिट ऑफ या वाई आई शुड रीड एन सी आर टी इज दैट इट ऑल्सो हेल्प्स इन हैबिट फॉर्मेशन है ना हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करती है जैसे आप तैयारी शुरू करने लगे हो अब एकदम तो आप दस घंटे बैठ के पढ़ने ही लग जाओगे यू विल रिक्वायर सम समाइम टू वार्म अप है ना वॉम अप टाइम चाहिए आपको तो एन सी आर टी इज़ द बेस्ट

एंड दिस दिस लीड्स टू गुड हैबिट फॉर्मेशन अब फोर्थ इसका एडवांटेज फोर्थ एडवांटेज जो एनसीआरटीज uh, पढ़ने का है कि वंस यू रीड एनसीआरटीज योर न्यूज पेपर रीडिंग बिकम्स मीनिंगफुल आपने सारी एनसीआरटी सपोज आई रिकमेंड की सोलह एनसीआरटी या पढ़ लो है ना तो ये जो एनसीआरटी की रिकमेंडेड एनसीआरटी की बुक लिस्ट है वो मैं इस लेक्चर के साथ अटैच कर दूंगा एज पी डी एफ तो आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है बट एनसीआरटिस का फोर्थ एडवांटेज ये है कि फर्स्ट यू रीड एनसीआरटिस्ट दो महीने में अगर आपने सारी एनसीआरटिस्ट पढ़ ली हैं है ना तो आप आफ्टर दैट इफ यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज पेपर एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड न्यूज पेपर अब यू हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दिस थिंग एक इंटर अपना एक सपोज प्रेजिडेंट की पावर्स पे या प्रेजिडेंट पे आर्टिकल पढ़ रहे हैं एडिटोरियल पढ़ रहे हैं हिंदू का और कोई बेस नहीं है इंडियन पॉलिटी का सो दैट इज प्योरली अ बेस वेस्टेज ऑफ टाइम ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन का आर्टिकल पढ़ रहे हैं लेकिन कोई बेस नहीं है पीछे तो एनसीआरटिस्ट का बेनिफिट क्या है कि एन हर चीज का आपका एक बेस बना देती है सो दैट वट न्यूज़पेपर डू यू रीड यू विल एटलीस्ट अंडरस्टैंड इट यू विल बी एबल टू प्लेस इट कि यार मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए सो दैट इज वेरी गुड बेनिफिट ऑफ एनसीआर है न और फिफ्थ बेनिफिट एनसीआर का यह है कि एक्सक्लूसिवली भी इन एन यू विल फाइंड सर्टन इंफॉर्मेशन यू विल नॉट फाइंड एनसीआरटी में कई ऐसे फैक्ट्स कवर्ड होते हैं जो और कहीं कवर्ड नहीं है मे बी दे आर सिंपल मे बी देर बेसिक मेबी देआर फंडामेंटल सो समटाइम्स अदर टेक्स एडवांस टेक्स मिस दो पेपर में क्वेश्चन वो आ जाता है तो आप एनसीआरटी को कभी भी इग्नोर ना करें एनसीआरटी तो पढ़ना मस्त है फ्रॉम दिस फिफ्थ पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि आपको हमेशा कुछ इनफॉर्मेशन ऐसी एनसीआर में मिल जाएगी जो आपको हेल्पफुल होगी इन प्री इट विल हेल्पफुल टू यू मेन्स ऑल्स इन लास्ट फाइव ईयर्स आई हैव सीन नंबर ऑफ क्वेश्चन एवरी ईयर विच यू कैन इजिली डू ओनली विद द हेल्प ऑफ एन सी आर टी नॉट ऑल ओनली फ्यू बट दट इज एडवांटेज वी आर लुकिंग फॉर दट इज एडवांटेज वी आर लुकिंग फॉर दैट इज वाई वी आर रीडिंग एनसीआरटिस तभी हम एनसीआरटिस पढ़ रहे हैं ठीक है सो दिस इज द वाई पार्ट कि आपको एनसीआरटिस्ट क्यों पढ़नी चाहिए अब इसमें बेनिफिट क्या है कि ठीक है आप अगर सपोज यू आर प्रिपेयरिंग विद य ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये वन टू टू ईयर टाइम फ्रेमवर्क में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है वन टू टू ईयर टाइम फ्रेम सपोज आपने दो में देना है या अटैम्प दो में देना है तो आपको तैयारी आप शुरू कर रहे हैं तो आपको शुरू एनसीआरटी से ही करनी चाहिए ठीक है ना अब पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अ थ्री ईयर फॉर्मेट दे मे नॉट रीड द ऑल एनसीआर इन वन गो वो जिन्होंने दो में देना या चौबीस में देना आगे प्लान कर रहे हैं है ना और दे आर टेकिंग ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग तो वो किसी भी सेक्शन को मतलब एनसीईआरटी साथ साथ में धीरे धीरे पढ़ सकते हैं बिकॉज दे है अब देखो एनसीआरटिस में क्या पढ़ना है अब इन दिस कैटेगरी मतलब आप यूटाइम्स कम फेस this dilemma some people पीपल विल टेल यू read रीड ओल्ड एन books in old बुक्स इन ओल्ड matter is more टी बुक्स द मैटर इज मोर आप पुरानी एन सी आर टी पढ़ो या नई एनसीआरटी मत पढ़ो देखो इट इट मे बी ट्रू इन सर्टन केस राइट सपोज आप ले लीजिए एंशंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के एन सी आर टी ना इफ यू कंपेयर ओल्ड एनसीआरटी एंड न्यू एन सी आर टी द मटीरियल इज वेरी डिफरेंट इन द इन टर्म्स ऑफ स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ कवरेज मटेरियल देखोगे तो नोबडी विल बी एबल टू इग्नोर कि एंशेंट या पुरानी पढ़ लो ओल्ड मिडिवल भी पुरानी पढ़ लो है ना लेकिन आप एक बात सोचो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग एन है ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग एन सी का पर्पस है बेस बनाना है, एक हैबिट फॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म देना तैयारी के लिए ना उस पर्पस के लिए मैं आपको अभी फर्स्ट फेज में जब मैंने बेस की बात की फर्स्ट फेज़ के अंदर आई विल नॉट रिकमेंड कि आप ओल्ड एनसीआरटिस्ट उठाएं आप नहीं एन सी पढ़ें बिकॉज दे आर मच लाइटर एंड दे आर वेरी गुड फॉर प्रिपेयरिंग बेस ठीक है अब सपोज अब आप सेकंड फेज जब आप कवरेज करोगे एन अपने सिलेबस की तो या तो कोचिंग लोगे अगर कोचिंग लोगे तो क्लास में आपको करा ही रहे हैं वो नोट्स दे ही रहे हैं तो ओल्ड एन पढ़ने का फ़ायदा क्या सब कुछ क्लास में नोट्स के थ्रू कवर हो ही जाना है ठीक है अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे सपोज एंड यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी तो आप सेकंड फेज़ के अंदर कैन टेक अप दिस ओल्ड एनसीआरटी आप समझो मेरी बात फर्स्ट फेज में आप पुरानी नई एनसीआरटीज पढ़े लेकिन जब सेकंड फेज ऑफ प्रिपरेशन में एंटर करें तब आप पुराने उठा लें और भी रिकमेंडेड है जो कोई बुक है वो आप पढ़ोगे ही एंड यू कीप अलॉन्ग विद दिस ओल्ड एनसीआर टीज इससे क्या हुआ आप दोनों ही पढ़ लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता या और कोई रिकमेंडेड टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आप यू कैन कंपेयर कि यार ओल्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है ये टेस्ट इज मच बेटर तो मैं ये पढ़ लेता हूँ तो कीप दी ओल्ड एनसीआरटीज जो जो रिकमेंडेड हैं अगर हैं तो वो सेकंड फेज के लिए बट इफ यू आर टेकिंग ऑर्गेनाइज कोचिंग तो ओल्ड एनसीआरटीज पढ़ने की अभी आपको कोई आवश्यकता नहीं है बी वेरी क्लियर इन योर हेड डोंट बी इन एनी टाइप ऑफ डायलोमा जितने की इंफॉर्मेशन नई एनसीआरटीज में है वो हमारी बेस बिल्डिंग के लिए बहुत है अगर आपने इस बार का 2020 का प्रीलिम देखा हो 2019 का प्रीलिम देखा हो तो आई विल रेज अ क्वेश्चन कि कितने क्वेश्चन एनसीआरटी से आए आप कहोगे जी पांच आए अगर पांच आए तो वो बाकी बुक्स में भी हैं आंसर वो तो। तो एनसीआरटी का कोई हम इसलिए नहीं पढ़ते कि पेपर में क्वेश्चन आ जाएंगे हाँ आ जाएं तो अच्छा है एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं तो एडवांटेज है बट लेकिन दैट इज नॉट द प्राइमरी पर्पज ऑफ रीडिंग द एनसीआरटीज एनसीआरटिस का प्राइमरी पर्पज है पढ़ने का अपना बेस बनाने का ठीक है ना तो बेस बनाना इंपॉर्टेंट uh, होता है इन द केस ऑफ एनसीआरटीज ठीक है अब आपने एक डिसाइड कर लिया कि आई विल रीड न्यू एनसीआरटिस डन अब क्या पढ़ना है उसमें से यू हैव टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है आपने चैप्टर पढ़ना है इसको मैं आगे हाउ टू रीड के अंदर आई विल डिस्कस लेकिन अभी मैं आपको यह बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है उसमें से आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है देखो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो आपको नहीं पता एनसीआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ना आपको क्या पता है तो कोई आपको बता भी सकता है क्या कि यार ये पढ़ो ये ना पढ़ो अब कोई बुक है भैया एशियंट एनसीआर की या मिडिवल की या मॉडर्न की या ज्योग्राफी की या इकोनॉमी की हाउ एनी कैन गिव यू अ फॉर्मूला कि इसमें से ये पढ़ो ये ना पढ़ो दैट कैपेबिलिटी अल्टीमेटली यू हैव टू जनरेट विद इन योर सो दैट यू आर कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग कि मुझे ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है ना बात समझ आ रही है ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना है तो फर्स्ट फेज में जब आप शुरू कर रहे हो अपनी तैयारी एंड वेन यू आर रीडिंग योर एनसीआर शुड बी टू कलेक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज यू थिंक गुड किसी से नहीं पूछना है आपको एज यू थिंक जो आपको लगे आपने इंफॉर्मेशन वो लिख लेनी है ये जो मैं बात कह रहा हूं आगे जाके और एलिवेंट हो जाएगी जब मैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिस्कशन करूंगा और आपको जो इंफॉर्मेशन अभी निकालनी है वो पॉइंट फॉर्म में निकालनी है पॉइंट फॉर्म में टेक्स्ट नहीं लिखना आपको आई हैव सीन पीपल <laughs> मतलब वो आधी एनसीआरटी अपने रजिस्टर में लिख देते हैं और सोच रहे हैं हमने पढ़ ली है वो पढ़ना नहीं है वो उतारना है वो कॉपी करना है ठीक है ना आपको क्या करना है जब आप पढ़ रहे हो तो आप उसमें से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगे चाहे वो कोई डेफिनेशन है चाहे कोई इफेक्ट है, है चाहे कोई वो एनालिसिस है एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस की फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसमें से जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आपने पॉइंट फॉर्म में उसको अपने एक रजिस्टर पर लिख लेना बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा थोड़ा सा बनेगा तो क्या करना है नंबर वन आपको न्यू एनसीआरटी पढ़नी है फर्स्ट फेज में सेकेंडली आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालनी है उसमें से जो आपको ठीक लगे पूछना नहीं है किसी से जो आपको ठीक लगे पेपर आपने देना है किसी और ने नहीं देना पेपर आपने देना है किसी और ने नहीं देना ये आपको हमेशा याद रखनी है बात आप खुद ही अपने आप को आई बना सकते हो ओनली यू कोई और नहीं कैपेबिलिटी आपको जनरेट करनी है कि यस आई आई कैन डू दिस और मुझे समझना है दूसरा नहीं समझेगा आके तो कैपेबिलिटी अपने अंदर से हमें है जगानी है और ये मेंटरिंग लेक्चर्स का आपका यही बेनिफिट है यही एडवांटेज है यही हमारा लक्ष्य है कि आपको कैपेबल बनाया जाए कि आप खुद अपने डिसीजन ले सको सो दैट नोबडी इज एबल टू बी फूल यू सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ वट टू रीड न्यू एनसीआर नो डाउट क्लियर कट नंबर important इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैज be कलेक्टेड एज यू थिंक नंबर 3 पॉइंट फॉर्म में कॉन्फिडेंटली करना है कोई चक्कर नहीं है अब आप देखोगे मैं आगे बताऊंगा कि एनसीआरटी कैसे आगे चलिए नेक्स्ट है हाउ टू रीड एनसीआरटीज एनसीआरटीज पढ़नी कैसे हाउ टू रीड प्रोसेस क्या है उसका पढ़ने का हाउ मतलब प्रोसेस क्या है क्यों पढ़नी है क्या पढ़ना है आप कैसे पढ़ना है देखो एनसीआरटी को पढ़ने का पहला तरीका यह है कि यू हैव टू मूव चैप्टर वाइज राइट नाउ इन फर्स्ट गो रीड द चैप्टर एंड कीप ऑन अंडरलाइनिंग डोंट राइट एनीथिंग रीड द चैप्टर अंडरलाइन चैप्टर पढ़ो और अंडरलाइन करते जाओ जो जो इंपॉर्टेंट आपको लगे वंस यू हैव कंप्लीटेड वन चैप्टर वापस जाओ शुरू से और जो आपने अंडरलाइन किया है उसको दोबारा पढ़ो एक बार और जो उसमें से इंपॉर्टेंट लगे अपने रजिस्टर में पॉइंट फॉर्म में लिखते जाओ प्लीज मैं आपको एक बार बता रहा हूं ये पढ़ने का आपको टिप दे रहा हूं कभी भी ऐसा नहीं करना है ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं कि बुक पढ़ रहे हैं बुक पढ़ते पढ़ते अपने रजिस्टर में लिखते जा रहे हैं ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक है तैयारी में अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हो फर्स्ट आप देखो कि हाँ मैंने ये पांच पेज पढ़े पांच पेज पढ़ते हुए अंडरलाइन करो नोट्स जब बनाने हैं तो उसको जब दोबारा एक बार पढ़ के फटाफट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन बहुत आपका एफर्ट बच जाएगा और आपका दिमाग भी डेवलप होगा जब आप पढ़ते पढ़ते लिखते रहते हो तो वो तो एक उतारना होता है रजिस्टर में वो नोट्स नहीं होते वो हो। वो गलत सहमी है हमारे को कि नोट्स होते हैं वो वो नोट्स नहीं है आपके नो मतलब वेरी फ्यू पीपल विल टेल यू दिस थिंग कि रीड द चैप्टर फर्स्ट अंडरलाइन इट एंड देन अगेन गो बैक देन अगेन रीड द अंडरलाइन पोर्शन एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट दैट इज नोट्स वो कभी भूलेंगे नहीं आपको ना दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर एनसीआर टी इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर योर अदर सोर्सेज ऑफ नॉलेज कोई और बुक्स आप पढ़ रहे हो टारगेट बनाओ अपना कि ये मैंने पांच पेज पढ़िए दोबारा पढ़े फिर मैंने दोबारा नोट्स बनाने होप यू आर नॉट कमिटिंग दिस मिस्टेक अगर आप जो लेक्चर लगा रहे हैं आप में से अगर किसी ने ऐसी मिस्टेक करी है तो आप इफ यू वॉन्ट टू एडमिट यू कैन डू और जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं उससे करके देखो और बेनिफिट फर्क देखो दोनों में दोनों में फर्क देखो बहुत फर्क मिलेगा आपको दोनों में बहुत फर्क मिलेगा दोनों में ठीक है जी नाउ दिस इज वन थिंग सेकेंड थिंग इज नाउ वाइल यू आर रीडिंग एनसीआर डोंट टेक हेल्प ऑफ एनीथिंग डोंट टेक हेल्प ऑफ एनी सोर्स एनी अदर सोर्स एनसीआरटी आप पढ़ रहे हो आपने किसी और सोर्स का हेल्प नहीं लेना है यह नहीं है आप एनसीआरटी पढ़ रहे हो चैप्टर साथ में आप वेबसाइट खोल के बैठे हो साथ में आपने और किताबें खोल ली ठीक है ना आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिटिंग दिस फुलिशनेस कि भाई वो एनसीआरटी पढ़ते हैं चैप्टर पढ़ रहे हैं साथ में आपने एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है सपोज एनसीआरटी में फिर उन्होंने साथ में पैरल वेबसाइट खोल रखी है पैरल एक कोई बुक खोल रखी है उसमें से भी करी जा रहे हैं उसमें से भी करी जा रहे हैं नो 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 इट्स अगेन अ वेस्टेज ऑफ टाइम अगेन अ वेस्टेज ऑफ टाइम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जब एनसी NCR, एनसीआरटी का पर्पज देखो हमेशा याद रखोगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे ये एनसीआरटी का पर्पज है आपका बेस बनाना इट्स अ फर्स्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन यू हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट फेज वो जो काम है आप कर तो वो आप सेकंड फेज़ में करो एक बार एन पढ़ लो उसके नोट्स बना लो उसके बाद चाहे सेकंड फेज में दोबारा एन टी खोल लो डट मैटर वो आपके माइंड को तकलीफ नहीं देगी चीज़ वो फायदा ही देगी आपको लेकिन एक बार सारी एन ऐसा ना करना कि भाई जोग्राफी की एक एन उठा लिए उसको लगे हुए महीना पढ़ने भाई महीना क्या पढ़ रहे हो सर वो ना उसमें से फिर मैंने उसका वेबसाइट में भी देखा मैंने वो हुसैन भी खोल ली मैंने वो किताब भी खोली मैंने वो किताब भी खोल ली ये क्या बात बनी एक बार अपना बेस बनाओ तो सही प्रोसेस तो स्टार्ट हो तो पहले आपने एक बेस बनाना है अपना देन नेक्स्ट फेज में स्टार्ट करना है देन नेक्स्ट फेज स्टार्ट करना है बट एनसीआरटिस्ट पढ़ते हुए कोई और हेल्प नहीं लेनी किसी टीचर की हेल्प नहीं लेनी नो no टीचर आप आपकी कैपेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए आप एक समझ समझ लो बात अगर आप खुद अपने आप भी एक एन भी समझ नहीं सकते तो आपको क्या लगता है कि आप पूरी सिविल सर्विस की तैयारी कर लोगे सोच के देखो बात कि मेरे को एनसीआर एक समझ नहीं आ रही ठीक है नहीं आ रही कोई हो सकता है पूरी एनसीआरटी में दो चीजें आपको नहीं समझ आई वो तो नॉर्मल होता है लेकिन डू यू रिक्वायर हेल्प फॉर रीडिंग एनसीआरटी ऐसा नहीं है हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस आपने अगर सोचा है कि यू कैन प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज यू कैन ऑलवेज रीड एनसीआर बट ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू हैव बिलीव इन यूर सेल्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहा है मैंने पढ़ देना जी कोई ऐसी क्या बात है नो टीचर कैन हेल्प नो वीडियोज आई एम मतलब ट्रूली आई फील वेरी सैड एंड डिस्ट्रेस्ड वेन आई सी इन यूट्यूब पीपल पोस्टिंग वीडियोज मैडली एन सी आर टी की कोर्स करा रहे हैं हम एन सी आर टी पढ़ा रहे हैं हम वी आर यू आर मेकिंग स्टूडेंट्स हैंडी कैप्ड आप लोगों को आई ए एस बनाना चाहते हो कि हैंडी कैप बनाना चाहते हो टेल देम द वे टू रीड एन सी आर टी नॉट टीच एन सी आर टी आप एडवांस पढ़ाएं उनको उनकी कैपेबिलिटी बढ़ाएं रादर देन आप उनको हैंडीकैप कर रहे हो राइट फ्रॉम द फेज वन आई एम सेइंग दिस थिंग विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो प्लीज डोंट वट यू से एक्सेस एनी वीडियो फॉर रीडिंग एनसीआर या कोई टीचर से बात करने की जरूरत नहीं है कोई और सोर्स देखने की जरूरत नहीं है आपको खुद अपने आप व एन सी है खुद अपनी आप एनसीआरटी समझने जितनी समझ आए ठीक है डोंट वरी ये एनसीआरटी एक बार नहीं हम मल्टीपल बार पढ़ेंगे हम देखेंगे आगे विल रीड मल्टीपल टाइम्स डोंट वरी बट प्लीज डोंट टेक हेल्प ऑफ एनी बडी हाउ टू रीड नाउ नी मेक अ फिक्स शेड्यूल आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना है ओपन एंडेड नहीं रखना है कि अगर हमने कहना है कि हिस्ट्री की एनसीआरटी तीन दिन में पढ़ना है फोर आवर्स डेली तो उसको ट्राई करो कि उतने ही टाइम में खत्म करने की कोशिश करो और यू हैव मेड अ मैक्रो शेड्यूल कि ठीक है मैंने ये सारी एनसीआर टीज दो महीने में पढ़नी है कोई कहता है मैंने तीन महीने में पढ़नी है कोई कहता है मैंने एक महीने में पढ़नी है डिपेंडिंग अपॉन योर डेली इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड योर कंपल्शंस तो जितना आपने टाइम फ्रेम बनाया है उसमें आप एन सी को खत्म करो ताकि एक फेज़ ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो आपकी आपके अंदर एक फीलिंग आए कि हाँ मैंने एक फेज ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर ली है एक स्टेप मैंने ले लिया है पता लगे पूरे छः महीने निकल गए साल निकल गया एक स्टेप भी नहीं लिया गया अभी अंदर से माइंड को मैसेज नहीं मिल रहा कि यार हाँ एक स्टेप मैंने कवर कर लिया तो एक स्टेप कवर करना बहुत जरूरी है कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया आप देखो इतनी कॉन्फिडेंस देगी चीज़ आपको ये और जिन लोगों ने टूट टूट के बीच में से एनसीआरटी पढ़ी है कि दो ये पढ़ ली एक पढ़ ली कभी पढ़ ली कभी, पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ ली दे विल ऑलवेज रिमेन शेकी हमेशा वो घबराते रहेंगे बात कुछ नहीं होती आपने अगर नहीं पढ़ी है मेक इट अ पॉइंट आपने कोचिंग स्टार्ट कर दी एनसीआरटी नहीं पढ़ी पूरी डोंट वरी अपने दिन के दो तीन घंटे अलग से निकाल के रख दो कि भैया क्लास में जो चल रहा है कोचिंग में चलते रहने दो मैंने तीन घंटे में सारी एनसीआरटिस्ट जो रिकमेंडेड है पढ़ देनी है दो महीने लगा के तीन महीने लगा चलती रहेगी कोचिंग जो गलती जो हो गई पहले हो गई डजेंट मैटर लेकिन आपको साथ साथ में अपनी से एक बार कि मेरा फेज वन खत्म हो गया टेक माई एडवाइस एंड यू विल डू इट एंड यू विल सी द डिफरेंस तीन घंटे लगाओ जो एनसीईआरटीस बची हुई है एक बार पढ़ दो उसको पढ़ो पॉइंट फॉर्म में लिखो अपना रजिस्टर बनाते जाओ थोड़ी सी मेहनत है लेकिन हम करेंगे आई एस बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेहनत तो करनी पड़ेगी मेहनत तो करनी पड़ेगी सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है ठीक है ना फिर आपको किसी की हेल्प नहीं देनी एनसीआर पढ़ते हुए आपकी अपनी अचीवमेंट है कि मैंने अचीव किया मैंने खुद पढ़ी है दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस और लेटर ऑन जब आप पेपर पढ़ोगे फिर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब वी वी कीप ऑन मेकिंग students handicapped. हम कहते हैं हम हिंदू पढ़ा रहे हैं हिंदू का आर्टिकल पढ़ा रहे हैं अरे भाई बच्चे ने खुद पढ़ना है हिंदू आर्टिकल जितनी देर में तुम आधा घंटा लगा के पढ़ा रहे हो मैं कहता हूँ बच्चे की कैपेबिलिटी इतनी बढ़ाओ कि पंद्रह मिनट में खुद पढ़ ले वो वाई यू आर वेस्टिंग हिस टाइम वाई यूर अगेन मेकिंग एम हंडी अगर हिंदू का आर्टिकल ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कराना है अगर एनसीआर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में करानी है तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको आई की वैसे ही दे सर्टिफिकेट की भाई आपकी सिलेक्शन हो गई आपने क्या कर रहे हो फिर सो so प्लीज ये जो ओवन ऑनलाइन सिस्टम्स का ऑन स्लॉट है उससे बचिए थोड़ा सा अगर हम आपको न्यूज पेपर एटिंग कराएंगे तो हम आपको ये कराएंगे कि यार इसमें से आज की डेट में आपको कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे आपकी जैसे डेली कार्पेटिंग में हम आपको दे रहे हैं तो आपको फिल्टर करके हम दे रहे हैं कि ये आर्टिकल पढ़ने वाले हैं सो so दैट की स्लोली एंड स्लोली यू योर सेल्फ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये चीजें आर्टिकल मुझे पढ़ने होते हैं ये नहीं पढ़ने होते हैं पढ़ना तो आपको खुद है ना पढ़ना तो खुद है आपको खुद अपने आप पे विश्वास रखना है कि हां मैंने पढ़ना खुद आपको ये लेक्चर बेसिकली एक रीडेफिनेशन है रिमेम्बर तैयारी की ये लेक्चर आपके लिए गाइडिंग पॉइंट है कि यार ऑनलाइन रिसोर्सेस को कैसे एक्सेस करना है कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा वी आर इन टू फ्री मार्केट इकोनॉमी कोई कुछ भी डाल सकता है कोई वीडियो डाल सकता है किसी पे कोई राशनिंग नहीं है उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है डजेंट मैटर कोई बात नहीं चलो दिस इज वॉट इज वी आर हेडिंग फॉर बट एट द सेम टाइम जब ऐसी सिचुएशन आती है तो योर योर कैपेबिलिटी मैटर अलॉट कि वेदर यू कैन अंडरस्टैंड राइटली और नॉट आर यू ए लीडर आर यू ए फॉलोअर क्या आर यू योर सेल्फ मेकिंग अ डिसीजन और यू आर बींग लेट टू मेक अ डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए यह मैंटरिंग प्रोग्राम आपका हमेशा आपके साथ रहेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन है ना आपको कैपेबल बनाने के लिए नॉट आपको हैंडीकैप बनाने के लिए किसी को मेरे मेरे पे डिपेंडेंस है या मेरे से कोई अपेक्षा ऐसी है कि सर बता देंगे क्या करना है मैं आई बन जाऊंगा ऐसा नहीं है मेरा जॉब आपको कॉन्फिडेंट बनाना है मेरा जॉब आपको सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपके अंदर लेके आनी है आपको हैंडीकैप करना नहीं है कभी मेरे से क्वेश्चन हैंडीकैप वाले नहीं पूछने कि सर बता दो खौरों में क्या पढ़ना या कैसे यह आर्टिकल नहीं समझ आ रहा भाई समझो दिमाग लगाओ दिमाग ग्रो होगा एनालिसिस एनालिसिस बढ़ेगा दिमाग में एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर सब कुछ पक्का पका है नहीं चाहिए हमारे को हमें खुद करना है अपने हाथ से ठीक है ना तो फिक्स्ड टाइम शेड्यूल आपको लेके चलना है एनसीआरटिस्ट तो दीज आर थ्री पॉइंट्स यू हैव ऑलवेज़ रिमेंबर नेक्स्ट आइए वैन टू रीड एनसीआरटिस्ट अब देखिए एक तो बार आपको पढ़नी है बिगनिंग में यहां आप पढ़ रहे हो एनसीआरटी बिगिनिंग में यहां आपको यू हैव नो नॉलेज ऑफ यूपीएससी है ना आप पढ़ रहे हो तो हो सकता है वेन यू आर रीडिंग वट यू कंसिडर एज इंपॉर्टेंट मे नॉट बी इंपॉर्टेंट लेकिन आपने लिखा फिर भी या कुछ ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट थी लेकिन आपको पता ही नहीं था कि ये भी आ सकती हैं तो वो छूट गई ऐसा होगा डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो एक बार आपने एनसीआरटी बिगनिंग में पढ़ रहे हो सेकंड सेकंड रीडिंग आपकी इसकी होगी अराउंड वन एंड हाफ मंथ्स बिफोर प्री अब आप प्रीलिम्स से पहले डेढ़ महीना पहले प्रीलिम्स से पहले फिर को ऑल हैव टू बी रेड अगर यहां पे आपको दो महीने लगे तो यहां नॉट मोर देन यू विल टेक डेज क्योंकि आप पूरी कवरेज कर चुके हो अब आपको इतना भी ज्ञान हो गया होगा कि हाँ मेरे को क्या पढ़ना होता है एनसीआरटी में इज इट तो अब आप जब दोबारा एनसीआरटिस्ट एक बार स्कैन करोगे पढ़ोगे तो आपको यू विल फाइंड नंबर ऑफ अदर फैक्ट्स ऑल्सो जो पहले आप मिस कर गए थे आपको उसी रजिस्टर में एंट्री करनी है जो पहले बनाया था डोंट टेक न्यू रजिस्टर्स जो आपने बिगनिंग में एनसीआरटी के रजिस्टर बनाए थे उन्हीं रजिस्टर्स में अपग्रेडेशन करनी है और जो फैक्ट्स आपको इरेलीवेंट लगे उसको काट देना है और नए फैक्ट्स ऐड कर देने हैं ये प्रोसेस अपने आप में इंपॉर्टेंट है रिमेंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है प्रोसेस जो करेगा उसको कम से कम पांच से सात क्वेश्चन का यूपीएससी में फायदा होना है लाजमी कॉन्फिडेंस की फॉर्म में प्रोसेस की फॉर्म में ऐसा नहीं वही क्वेश्चन आ जाएगा दिस इज द सेकेंड रीडिंग ऑफ नाउ थर्ड रीडिंग एनसीआरटी की आपने देनी है अराउंड थर्टी डेज बिफोर मेंस. मेंस से पहले तीस दिन पहले आपको एक रीडिंग फिर एनसीआरटीस को देनी है सारी जो भी रेलिवेंट है डेफिनेटली है ना जो मेन्स में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो एनसीआरटीस बनती है वही है ना अब आप आपको सिर्फ दो दिन लगेंगे इसमें टू डेज वही रजिस्टर उठाना है अगेन इसमें आपने अपग्रेडेशन करनी है जो इरेलीवेंट है काट देना उसको जो रेलिवेंट है उसमें और एड कर देना सो तीन बार एनसीईआरटीज़ आप पढ़ोगे ये। लेकिन पढ़ोगे तीनों बार अपने आप विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी बडी विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनीबडी आप ठीक पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो बिगिनिंग में आप ठीक पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो आप बेसिकली क्या कर सकते हो अपना जो नोट्स बना रहे हो उसकी एक फोटो खींच के आप आप पोस्ट कर सकते हो हमारे यूट्यूब के कमेंट चेन है वहां पे इमेज पोस्ट हो जाएगी वहां पोस्ट कर सकते हो आप है ना वहां पोस्ट कर दो इमेज आप वी विल आंसर इट कि हां ये ठीक है अदरवाइज कोई इतनी बात नहीं है जो भी इंफॉर्मेशन आपको ठीक लगे आपने पॉइंट फॉर्म में निकाल लेनी है बस कम या ज्यादा डजेंट मैटर यू विल लर्न यू विल लर्न योर सेल्फ जब आप फिर आगे तैयारी करोगे तो आपको एहसास होगा नहीं यार मैंने बहुत कम पढ़ी एन सी कोई बात नहीं मैं दोबारा पढ़ देता हूँ अगर कोई चाहता है कि इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बीच में भी एक बार पढ़नी है कहीं कोई हार्म नहीं है इफ यू आर गिविंग सम टेस्ट सीरीज जब टेस्ट सीरीज दे रहे हो आप तो टेस्ट सीरीज के पहले आप हो सकता है एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर दो लेकिन करना वही है कि जो आपने पहले रजिस्टर बनाया है उसी में अपग्रेडेशन या डिलीशन करनी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिस पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है तीन बार उतना ही ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ये नहीं है कि आपने जो रजिस्टर बनाए बिगिनिंग में वो उठा के फेंक दिए कहीं नो दोज रजिस्टर विल बी विद यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फिर चाहे आपका एक अटेम्पेंट सिलेक्शन हो दो में हो सो इन दिस वे द हैव टू बी एनसीआरटी इन थ्री टू फोर टाइम्स आपको बहुत बेनिफिट होगा लेकिन ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट एनसीआरटी उठाई उसको छह महीने एनसीआरटी को लगा दिया वो कंप्लीट हो ही नहीं रही because एनसीआरटीज are necessary but not sufficient. ये नहीं है कि एनसीआरटी से आप पेपर क्लियर कर सकते कोई अगर आपको कहता है आपको बेस को बना रहा है वो खुद देख लो टेक दी मेंस पेपर टेक दी प्रिलिम पेपर देखो एनसीआरटी उठा के कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से इस बार का पेपर देख लो एक भी क्वेश्चन नहीं है अगर एक आधा क्वेश्चन है तो वो हर जगह है उसमें एनसीआरटी खास क्या है मैं तो वो मानूंगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एनसीआरटी में ही है बाकी जगह रेयरली मिलते हैं तो so, एनसीआरटी का पर्पज आपका ये नहीं है कि आपको पेपर में कुछ आ जाएगा एनसीआरटी का प्रॉपज है एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ राइट वे टू प्रिपेयर एंड द राइट वे टू प्रिपेयर इज टू स्टार्ट विद एन सी आर टी और मेक अ बेस प्रॉपर बेस और इस और एन सी आर टी आगे इस फॉर्म में आपको तीन बार रिवाइज करनी है गॉट द पॉइंट इसको बिल्कुल दिमाग में उतार लेना है बात को कभी भी कोई डाउट आता है आपको रिगार्डिंग एनसीआरटीज पोस्ट ऑन दिस पेज इस ओ एनसी पे पेज कीजिए आप क्वेश्चन पूछिए सीधा आंसर मेरे पास क्वेश्चन मेरे पास आएगा बिकॉज आई विल बी योर मेंटर थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फॉर वन ईयर नेक्स्ट ठीक है ना तो ये आपका हो गया वेन टू रीड एन सी आर टीज अपनी तैयारी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कीजिए अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव कीजिए अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव कीजिए खुद अपने हाथ से लिखना है पेपर में पेपर में मेंस के पेपर में आप खुद अपने हाथ से आंसर लिखोगे कोई और नहीं लिखेगा आपके लिए प्रिलिम में क्वेश्चन आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं खुद पढ़ने हैं खुद समझने हैं खुद मार्क करने हैं कोई और नहीं कर रहा आपके लिए तो एनसीआरटी क्यों और पढ़ेगा कोई आपके लिए कोई आपके लिए हिंदू के आर्टिकल क्यों पढ़ेगा इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल क्यों पढ़ेगा फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल क्यों पढ़ेगा क्यों आपके लिए कोई मैगजीन uh, पढ़े कोई क्यों आपके लिए कोई और चीज़ पढ़े टीचर आपको गाइडेंस दे सकता है कि ठीक है आपको हम करा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक करा रहे हैं तो ठीक है आपको हमने समझा दिया ब्रॉडली कि हाँ ग्लोबलाइजेशन ऐसे आगे काम तो आपको करना है उसकी अपग्रेडेशन आपको करनी है नोट्स बनाने हैं उसके आंसर लिखने हैं प्रैक्टिस करनी है उसके बिना तो कुछ भी नहीं है यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड ईच वन ऑफ यू इज कैपेबल अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो आप कैपेबल हो अगर आपको अंदर से लगता है मैं कैपेबल नहीं हूं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाओ कि नहीं आई कैन डू एनी थिंग इन दिस लाइफ एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इट्स ऑल अबाउट डूइंग द थिंग्स राइटली ठीक तरीके से करेंगे चीजें आसान लगेंगी ठीक तरीके से नहीं करेंगे चीज़ें बहुत मुश्किल लगेंगी आप कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है पहले ही दिन उसने हिंदी उठा लिया तो वो सारी मतलब ही विल ऑलवेज रिमेन अंडर कॉन्फिडेंट कि यार यार क्या उठा लिया मैंने ये इट्स सच अ टफ लैंग्वेज It's नॉट फॉर बिगनर नॉट at ऑल फॉर बिगनर लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं एंड देर ऑलवेज राइट फ्रम द डे वन दे डेवलप अंडर कॉन्फ्रेंस उनको लगता है कि नहीं यार तो बहुत मुश्किल है हमारे तो बस की बात नहीं है ये जबकि ऐसा ट्रू नहीं है कोई हिंदू में से उठ कर पेपर नहीं आ जाता जैसे न्यूज पेपर ना भी पढ़ें मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल इतने और सोर्सेज हैं कि आप हिंदू ना भी पढ़ें तो कोई फर्क नहीं है

वाई हाउ एंड वेन है वो आपको समझ आ गया होगा एंड प्लीज प्लीज टेक दीज थिंग्स इन यूर माइंड वाई यू आर प्रिपेयरिंग यू विल नेवर बी मिस गाइडेड बाई एनी बडी प्लस डेफिनेटली स्टे अवे फ्रॉम एनसीआरटी लेक्चर एन सी आर टी प्रोग्राम है ना दीज आर हैंडी कैप प्रोग्राम्स मेकिंग यू डिसबल्ड सम हाउ अपने आप पढ़ें एनसीआर पढ़ें कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हाँ मैंने पढ़ी है तो आगे भी कोई अपने आप बुक उठाने की हिम्मत आएगी बुक से भागोगे नहीं आप आप खुद पढ़ने की आप में कॉन्फिडेंस आएगा आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन रीड माई सेल्फ एंड आई कैन अंडरस्टैंड माई सेल्फ बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज चलना चाहिए आपको आप दो सब्जेक्ट साथ में रख सकते हैं एक सब्जेक्ट आप साथ में रख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज है दो दो तीन तीन एनसीआरटीज पढ़ पढ़ के खत्म करो बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है डेढ़ महीने में फोर्टी डेज में 40 में सारी एनसीआर हो सकती है अगर आप पांच छह घंटे रोज पढ़ रहे हो फर्स्ट फेज में तो इतना ही बहुत है। For, हमने कौन सा एक बार पढ़नी है एनसीआर डेज इन फर्स्ट फेज दिस नो हम और वैसे भी वन गो में जो अच्छी बुक्स होती है ना वो वन गो में यू नॉट असिमुलेट एवरीथिंग यू कैनोट कनाट असिमुलेट एवरी आप सोच के देखो जो रिलीजियस टैक्स है वर्क्स ऑफ इंटेलेक्ट तो आज जो रिलीजियस टैक्स है आज तक उनकी इंटरप्रटेशन होती जा रही है देवर रिटर्न टू थाउजेंड ईयर्स बैक और आज तक उसकी इंटरप्रटेशन हो रही है आज भी नई चीज़ें उसमें से निकल जाती हैं तो एनसीआरटिस्ट को मैं ऐसा स्टेटस मानता हूँ कि अगर आपको दस बार भी पढ़ते हो तब भी कुछ ना कुछ नया आपको मिल जाएगा तो एक बार में तो पढ़ने की आप ख्याल छोड़ दो कि एक बार मैंने पढ़ लिया उसके बाद बचा ही नहीं कुछ उसके अंदर ऐसा नहीं होता स्टैंडर्ड टेक्स के अंदर बिकॉज जो आपको दिखता है जो आप इंपॉर्टेंट समझते हो वो आपके अपने इंटेलेक्ट या अपने इंटेलेक्चुअल कैलिबर के बेसिस पे होता है एंड वंस यू ग्रो इन प्रिपरेशन तो आपको पता लगता है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है तो धीरे धीरे अकॉर्डिंगली आप आप अप, अपने अपने स्टडी मटेरियल को यू कीप ऑन एडजस्टिंग ठीक है ना एनी अदर मिस्टेक किसने करी हो ये सब समझ आ गया आपको एनी यू फाइंड दैट दिस लेक्चर इज यूजफुल आपकी तैयारी में आपको कोई डिफरेंस लगेगा कि हो रहा है होगा हो इस लेक्चर से बी ट्रूथफुल ठीक है चलो फिर तो दिस वॉज टुडेज लेक्चर और आगे चलेंगे बाकी आपको कोई अगर और भी लगे ना मेंटरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेक्चर सर को देना चाहिए या हमें ये तो आप अपना पोस्ट कर सकते हो इस पर मैं आपके साथ ही हूँ एक साल के लिए तो लेक्चर्स होते रहेंगे आप कहोगे सर ये ये चीज़ समझ नहीं आ रही आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर ऑन दैट आई विल कम लाइव एंड विल डिस्कस तो डोंट वरी तो आप कोई भी लेक्चर आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ पर लेक्चर चाहिए जो मेरी लिस्ट में नहीं है नीचे है ना तो आप हमेशा उसमें मेरे को सजेशन दे सकते हो ठीक है सो सी यू टमारो अगेन एंड लेट अस सी बाय बाय